टीकाकरण का भाग टू आपके सामने प्रस्तुत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी विदेश यात्रा से लौटते ही बुधवार को कोरोना टीकाकरण के मद्देनजर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में कम टीकाकरण वाले 40 से ज्यादा जिलों के जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में टीकाकरण अभियान को घर घर ले जाने के साथ इसमें जागरूकता के लिए स्थानीय धर्मगुरुओं की मदद लेने पर भी जोर दिया। पीएम ने टीकाकरण में एनसीसी और एनएसएस के वॉलंटियर्स को शामिल करने का बहुत बड़ा सुझाव दिया और उन्होंने बैठक में अधिकारियों से वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने पर विशेष जोर दिया गया। इस वर्चुअल समीक्षा बैठक में 39 जिलों के जिलाधिकारियों को शामिल किया गया जहाँ टीकाकरण की गति बेहद धीमी गति से चल रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार 40 जिले हैं झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय समेत विभिन्न राज्य हैं और उनमें टीकाकरण की गति जो है बहुत धीरे चल रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी इसके मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। वेटिकन सिटी में पोप का भी जिक्र किया। हाल में वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस अपनी मुलाकात का उल्लेख करते हुए टीकों के बारे में धर्मगुरु के संदेश को जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता बताई गई। टीकों पर जागरूकता फैलाने, अफवाहों को दूर करने के लिए स्थानीय धार्मिक नेताओं की मदद लेने की अपील की गई। युवाओं की एक टीम बनाई जाए। उन्होंने कहा कि हमें हर गांव, हर कस्बे पर ध्यान देना है। आपको हर गांव के लिए अलग रणनीति बनानी है तो करें। आप 25 लोगों की टीम बना सकते हैं। आप एनसीसी, एनएसएस की मदद ले सकते हैं। छोटे वीडियो बनाकर जागरूक कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अब हर घर घर दस्तक देनी होगी। घर घर जाकर टीके का मंत्र दिया जाएगा और धर्म गुरुओं से मदद लेकर भी किया जाएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में एनसीसी, एनएसएस को भी एक बहुत अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मोदी का मंत्र है, रुके ना तुम, थके ना तुम। उपलब्धि, अब तक 1,07,29,00,000 टीकों से अधिक टीकाकरण किया जा चुका है। इशारों में ही मोदी ने कहा कि 1 अरब डोज के बाद आराम नहीं करें, संदेश है, ढिलाई नहीं चलेगी। बीमारी व शत्रु को सभी कम नहीं आंकना चाहिए। संदेश से खतरा टला नहीं है अभी तक। जहां कहीं भी जो भी कमियां हैं उसे जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। संदेश है, हर स्तर पर कसावट रखी जाए। अलग अलग रणनीति बनानी हो तो बनाइए। संदेश है, सरकारी ढर्रे को इतर प्रयास करते रहें। लक्ष्य है साल के अंत तक देश की व्यस्त आबादी को कोवैक्सीन या वैक्सीनेशन कर दिया जाए। नई रणनीति में सरकार ने गांव-गांव, कस्बों-कस्बों पर फोकस करने को कहा है। घर घर पड़ताल कर टीकाकरण दिया जाना चाहिए। दूसरी डोज पर भी रहेगा जोर। मॉनिटरिंग होगी कड़ी। संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य। फिर भी भारत के प्रधानमंत्री अभी तक चिंतित है और चिंतित होने का कारण है कि देश के कई जिले टीकाकरण में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। कई जिलों में लोग वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं ले पा रहे हैं। कई स्थानों पर टीकों को लेकर अफवाहें, चुनौतियां बनी हुई है। महाराष्ट्र समेत कई राज्य मांग रहे हैं डोर टू डोर अनुमति। त्यौहार और बाजारों में भी भीड़ भाड़ और लोगों ने बिना मास्क की दूरी प्रारंभ कर दी है, जिससे बहुत चिंता का विषय है। केस कम हुए हैं। तीसरी लहर की आशंका अभी भी बरकरार रखी गई है। अब काम नहीं, तरीका बदलेगा, प्रधानमंत्री ने कहा। मोदी ने अधिकारियों से कहा, अब तक आप लोगों को टीकाकरण केंद्रों तक ले जाने के लिए काम कर रहे थे। अब समय आ गया है टीका घर घर पहुंचाया जाए, हर घर दस्तक अभियान के साथ काम किया जाए। अब तक जिन्होंने टीका नहीं लगाया है उन्हें उसकी पहली खुराक निश्चित सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए, लेकिन दूसरी खुराक देने पर उतना ही ध्यान दे। बड़ी खुशखबरी बताइए, WHO को कोवैक्सीन की मंजूरी दे दी गई है। भारत द्वारा निर्मित कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है। WHO की तकनीकी सुधार समिति ने बुधवार को हुई बैठक में इसकी सिफारिश की। पिछले हफ्ते WHO ने कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक से अतिरिक्त जानकारी मांगी गई और इस जानकारी के अंतर्गत WHO ने अब तक 6 टीकों की मंजूरी दी है, जिसमें फाइजर, बायोटेक, कम्युनिटी, एस्ट्राजेनेक, कोविशील्ड,
जॉनसन एंड जॉनसन, कोवैक्सीन, मॉडर्ना की mRNA 1273, सिनोफार्म की BBIP, कॉर्वी और सिनोवैक्स की कोरोना वैक्स शामिल है। और अब कोरोना वैक्सीन को सातवां टीका की WHO ने मंजूरी प्रदान कर दी गई, 1 साल तक इस्तेमाल। दूसरी ओर भारत बायोटेक ने दावा किया है कि कोवैक्सीन को उत्पादन की तिथि से 1 साल के अंदर तक काम में लिया जा सकता है। कोवैक्सीन निर्माता कंपनी ने कहा है कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कोवैक्सीन की सेल्फ लाइफ 12 माह तक बढ़ा दी गई है। कंपनी ने इसकी सूचना अपने हितधारकों को दे दी गई है। भारत बायोटेक ने ट्वीट कर बताया है कि कोवैक्सीन की सेल्फ लाइफ 12 माह तक तय कर दी गई है। CDSCO ने निर्णय कंपनी की ओर से मुहैया कराया गया। इसके अतिरिक्त स्थिरता डाटा आधार पर भी प्रदान किया गया है। इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने घर घर दस्तक करने को कहा गया है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।